नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग में किया शिलान्यास लोकार्पण। ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक, सारथी हॉल और बस अड्डों की दी सौगात। 150 नई BSC डीजल बसों को दिखाई हरी झंडी। स्वतंत्र देव सिंह ने विधान परिषद के नेता पद से दिया इस्तीफा। केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया विधान परिषद का नेता। सिंह यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से भी दे चुके हैं इस्तीफा। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रभारी सुनील बंसल को संगठन ने दी बड़ी जिम्मेदारी। जेपी नड्डा ने बंसल को बनाया राष्ट्रीय महामंत्री। तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के प्रदेश प्रभारी की भी दी जिम्मेदारी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का वाराणसी दौरा। पत्रकारों से हुए रूबरू। तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील। बिहार को लेकर कहा, बिहार की उथल पुथल को आने वाले समय में जनता करेगी सही। हापुड़ में कार सवार हथियारबंद बदमाशों ने की लूट। दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैंक एजेंट से मारपीट कर लूटे 30 लाख रुपए। विरोध करने पर ड्राइवर को मारी गोली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग के अंतर्गत परिवहन विभाग के शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग टैंक, सारथी हॉल और बस अड्डों का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान 150 नई BS6 डीजल बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 75 जनपदों को 2-2 BS6 डीजल बसें मिल रही हैं। 48 घंटे के लिए राज्य ने सभी महिलाएं 10 अगस्त मध्यरात्रि, 12 अगस्त मध्यरात्रि से निःशुल्क बस सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं। लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के पर्व पर ये बसें खासतौर से माताओं बहनों को निःशुल्क रूप से गंतव्य तक पहुंचाएगी। प्रयागराज कुंभ के दौरान श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के माध्यम से और परिवहन निगम के माध्यम से जिन बसेज को हम लोगों ने उस समय श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए खरीदा था, उन सभी बसेज के बेड़े को हम लोगों ने परिवहन निगम को ही बाद में प्रदान किया और उसका परिणाम था कि 2019 में जो बसेज हमें प्राप्त हुई थी, उन बसेज ने अपनी सेवाओं को बेहतरीन तरीके से प्रदेश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी अपनी सेवाओं को प्रदान करते हुए प्रदेश के अंदर प्रदान किया। कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के तत्काल बाद जब बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने घरों की ओर प्रस्थान किए, तो परिवहन निगम की बसेस से प्रदेश के अंदर आने और लाने ले जाने में लगभग 1 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों को हम लोग प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्य राज्यों की ओर भी हम लोग उन्हें भेजने में सफल हुए। खासतौर पर जिसमें 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक तो के लिए उत्तर प्रदेश के थे, 30 लाख बिहार के थे, झारखंड। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शैक्षणिक सत्र एवं डायलिसिस सेंटर्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं 35 ऊंचीकृत ANM प्रशिक्षण केंद्रों में सेंटर्स का भी शुभारंभ किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना उनका लक्ष्य है। गरीब को स्वास्थ्य सुविधा देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, इसके लिए सरकार सदैव तत्पर है। प्रदेश के सभी जिलों में फ्री डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उपचार से ज्यादा उससे बचाव बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कहा कि तीन प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश की जनता को उपलब्ध कराने के लिए मैं सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। स्वास्थ्य विभाग को आज तीन प्रकार की बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा को प्रदेश की जनता के लिए उपलब्ध कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आजादी के अमृत महोत्सव के पूर्व प्रदेश के तीन अतिरिक्त जनपदों में फ्री में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने, ENM प्रशिक्षण के 35 नए सेंटर का शुभारंभ करने और प्रदेश के अंदर अन्य कुछ महत्वपूर्ण सुविधाओं को प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रदेशवासियों को हृदय से इसकी बधाई देता हूं। आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण रखता मायने रखता है। ENM की क्या भूमिका हो सकती है यह हम सब इस बारे में देख सकते हैं कि यह जो प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी हैं इन सब की उपयोगिता को हम लोगों ने तब समझा जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान गांव-गांव में हम लोगों ने उस समय एक विशेष अभियान चलाया था स्क्रीनिंग का और उस समय ENM और आशा वर्कर घर घर जाकर के गांव हो या शहर कोविड की चिंता के बगैर इन लोगों ने योगी सरकार का नया फरमान मिलावट के बाद योगी सरकार अब घटतौली करने वालों पर अंकुश लगाने की तैयारी में हुई जुट चुकी है। सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है कि मिठाई तोलते वक्त अगर डिब्बे का वजन उसमें शामिल किया गया और वह अगर पकड़ा जाता है तो उस पर 5,000 रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इसकी शिकायत खाद्य एवं रसद विभाग के टोल फ्री नंबर 1800180150 और उपभोक्ता संरक्षण बाट माप विभाग के टोल फ्री नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। पहचान गोपनीय रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। घटतौली की शिकायत को लेकर सरकार काफी गंभीर दिखाई दे रही है। घटतौली करने वालों के खिलाफ सरकार के निर्देश पर बाट माप विभाग ने कार्रवाई की ये रणनीति बनाई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विधान परिषद के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वतंत्र देव सिंह ने व्यस्तता का हवाला देते हुए ये इस्तीफा दिया है। वहीं उनकी जगह केशव प्रसाद मौर्य को विधान परिषद का नेता बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह ने इससे पहले जुलाई के आखिर में यूपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 16 जुलाई को पूरा हो गया था। वे 2019 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। उनके अध्यक्ष रहते भाजपा ने 2022 विधानसभा चुनाव में 255 सीटें जीती थी। स्वतंत्र देव सिंह योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ समय पहले ही विधान परिषद का नेता चुना गया था। आपको बता दें कि विधान परिषद में उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की जगह ली थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया है। वहीं झारखंड के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल को यूपी भाजपा का महामंत्री संगठन बनाया गया। कहा जा रहा है कि सुनील बंसल ने खुद अपनी वर्तमान भूमिका से मुक्त होने की इच्छा व्यक्त की थी। सुनील बंसल को राष्ट्रीय नेतृत्व का करीबी माना जाता है। सुनील बंसल 2017 में महासचिव बने थे। उन्होंने लगातार दो विधानसभा चुनावों में भाजपा की सफलता में अहम भूमिका निभाई। उम्मीदवार के चयन से लेकर मंत्री पद तक में उनकी राय पार्टी के लिए मायने रखती थी। राजस्थान के राज्यपाल बुधवार को वाराणसी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार मुद्दे के साथ तिरंगा अभियान पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि बिहार में जो उथल पुथल हो रही है उसे आने वाले समय में स्वयं जनता ही सही करेगी। आज भारत आजाद है और देशवासी स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं तिरंगा अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि अभियान के बाद लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति देखी जा रही है और वे खुद आगे आकर अभियान से जुड़ रहे हैं। हर घर तिरंगा, आम आदमी के साथ तिरंगा जुड़ जाए, इस प्रकार का एक अभियान चला है। तिरंगा जुड़ जाने का मतलब यह है कि
उसके अंदर राष्ट्रभक्ति देशभक्ति स्वयमेव रोम रोम में आप्लावित हो जाए, इस दृष्टि से है। और यह माहौल निश्चित रूप से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की तरफ अग्रसर करने की दृष्टि से घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, सबको अपनाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं अनुभव। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसी बहाने भाजपा दंगा भड़काना चाहते हैं। मैंने आपको बताया ना कि तिरंगा अभियान चल रहा है, सभी को इस अभियान के अंदर भागीदार होना चाहिए। वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की गई। इसी दौरान केशव प्रसाद ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तंज कस कहा कि मन में कोई चीज रखकर जिस रास्ते पर वे चल रहे हैं वे कोई रास्ता नहीं है, उनके सामने आगे कुआ है तो पीछे खाई है। नीतीश कुमार के शपथ लेने से हमें कोई समस्या नहीं है। का दर्शन करिए, कोई उथल पुथल उत्ताल लहर पत्ते न डिगाने पाएगी। अचानक चलाते जाएंगे, मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंडतम बहुमत की सरकार देश में आएगी। यूपी जनता ने उन्हें भगा दिया है, अगर वो यूपी में अब विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं करें, और नारे बहुत सारे हम लोगों को भी आते हैं मौर्या जी, और ऐसे नारे न लगावें जो नारे जो है उनके लिए ही अच्छे न। देखिए बाबा विश्वनाथ जी का यह धाम शायद जो सदियों की प्रतीक्षा थी, बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से, यहाँ के कोतवाल के नाते जिनकी पूजा होती है, काल भैरव जी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से, जो बाबा विश्वनाथ जी का धाम बनकर के तैयार हुआ है, इसके बारे में कहने के लिए शब्दों का तो अभाव है, लेकिन आज पूरे देश में काशी की चर्चा हो रही। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है, जहां सिधौली कस्बे में अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री शफात हुसैन का अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसी दौरान उन्होंने तिरंगा यात्रा में शामिल होकर लोगों में देश प्रेम की भावना को जागृत किया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रत्येक घर पर तिरंगा लहराने की अपील की गई। आज मेरा जो दौरा है वो अमृत महोत्सव जो हमारी पार्टी ने जो रखा है उसके तहत हम लोग दौरा कर रहे हैं। मैं बिजनौर तक जाऊंगा और ये सिधौली में हमारे कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा में हमारा स्वागत किया है। जयपुर जाऊंगा, सीतापुर में है, उसके बाद शाहजहांपुर है, फिर बरेली में मैं स्टे करूंगा, फिर बिजनौर में तिरंगा महोत्सव यात्रा में मुझे वहाँ पर एक सम्मेलन सिधौली के इतना बड़ा अच्छा सा कार्यक्रम उन्होंने अमृत महोत्सव के तहत जो है 15 अगस्त को जो दिया गया उसको किया है। इसके लिए सिधौली के एक समस्त कार्यकर्ता अमीर हसन और हमारे अमीरुल्ला मंडल अध्यक्ष, इन सबको मैं बधाई देता हूँ। खबर यूपी के महोबा से है, जहां चरखारी में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव के तहत बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हर घर तिरंगा की मुहिम को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ श्री गुमान बिहारी जी मंदिर से किया गया, जिसका समापन पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में हुआ। इस अवसर पर चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने संबोधन में कहा कि तिरंगा हम सभी के लिए मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक होता है, इसे सभी आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर अपने घरों प्रतिष्ठानों आदि में अवश्य लगाएं। और साथ ही विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की भी सराहना की। यूपी के जालौन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के दौरान 5.5 लाख तिरंगे शान से लहराए जाएंगे, जिसको लेकर सरकार ने सरकारी विभागों से लेकर आम नागरिकों से भी अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। इसी अपील को देखते हुए जिला स्तर पर तिरंगे की उपलब्धता को लेकर तेजी से तैयारियां की जा रही है। जालौन में 5.5 लाख तिरंगे झंडों का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरा कर लिया गया है। वहीं जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने 75वीं वर्षगांठ के मौके पर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में विकास भवन में तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, इसके तहत इस जिले में हर घर में तिरंगा का भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। कार्यक्रम 13 से 15 अगस्त के बीच मनाया जाना है। इसमें जो जनपद का कुल लक्ष्य है वो 5.5 लाख के करीब झंडों का है। इसमें से हमारे 2.5 लाख झंडे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनाए जाने हैं। जो शेष लक्ष्य है वो MSME के माध्यम से शासन से हमें प्राप्त हो गया है। कुछ उसमें से एक इंस्टॉलमेंट उन झंडों की प्राप्त की भी जा चुकी है। हमारी ये व्यवस्था रहेगी
कि हर कार्यालय में हम कुछ झंडे उपलब्ध कराएंगे, तो सभी लोगों से जालौन में अनुरोध है कि वो कार्यालयों, जो भी प्रशासनिक कार्यालय यहाँ पे हैं, वहाँ पे संपर्क कर लें या फिर पोस्ट ऑफिस पे संपर्क करके झंडे जरूर खरीदें। और खबर की ओर, यूपी के हरदोई में एक युवक की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां माधोगंज इलाके के लखनपुर गांव में खून से लथपथ शव खेत पर ट्यूबवेल के पास पड़ा मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं शव के पास डंडा और रस्सी भी मिली है। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी फॉरेंसिक टीम और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं मृतक के बड़े भाई मनोज गौतम ने बताया कि उनका भाई आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा के लिए ट्यूबवेल पर रात में रुकता था। ऐसे में अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर उसके भाई की हत्या कर दी। पुलिस को अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है। एसीपी ने बताया कि मामले में पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं और शीघ्र ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के हापुड़ में कार सवार हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर दिल्ली जाते समय बैंक एजेंट्स को हथियारबंद कर बदमाशों ने रुकवा लिया। इस दौरान बदमाश करीब 30 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। इसी दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने बैंक एजेंट्स के कार चालक को गोली मार दी, जिससे घायल कार चालक को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने मेरठ के लिए उसको रेफर कर दिया गया। जिसकी सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी फॉरेंसिक टीम और पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे, लिहाजा पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बैंक एजेंट्स का पिलखुवा की रिलायंस रोड पर वेयरहाउस है, जहां पर बैंक एजेंट व्यापारियों से कैश इकट्ठा कर दिल्ली की ओर जा रहे थे। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां ससावा क्षेत्र के गदरहेड़ी में पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान ग्रामीणों ने बीच बचाव करते हुए दोनों पक्षों के बीच लोगों को समझाइश कर घर भेज दिया। कुछ देर बाद एक पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर पिता पुत्र पर हमला कर डाला। इस दौरान फायरिंग में मोनू और उसके पिता सेठपाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आनन फानन में दोनों को राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मोनू को मृत घोषित कर दिया, जबकि पिता को गंभीर हालत में हायर सेंटर चंडीगढ़ रेफर कर दिया। दूसरी ओर गांव में युवक मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में तहरीर दी गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। यूपी के कानपुर देहात में दबंगों की बर्बरता का वीडियो एक वायरल होने का मामला सामने आया, जहां वीडियो में कुल्हाड़ी और लाठी दबंग दलित महिला और उसके पति के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण मूक दर्शक बने रहे। दबंगों ने मार मार कर पति पत्नी को घायल कर दिया। पूरा मामला रूरा थाना इलाके के चितौली गांव का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने भी हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं पीड़िता का मेडिकल नहीं होने पर कानपुर नगर भेजा गया। यूपी के कानपुर में टीटी से मारपीट की खबर सामने आई, जहां सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 7 पर गोरखपुर से चलकर भटिंडा जाने वाली गोरखधाम एक्सप्रेसवे एस्कॉर्ट के सिपाहियों ने टीटी के साथ जमकर मारपीट कर डाली। मारपीट में टीटी को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं मामले की सूचना के बाद जीआरपी ने दोनों सिपाहियों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल रेलवे पुलिस दोनों सिपाहियों से पूछताछ में जुटी हुई है। यूपी के सिद्धार्थनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बांसी नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद इतरीश पटवारी और चमन आरा रायनी की अगुवाई में सोनखर से देवियापुर नरकटहा मंगल बाजार होते हुए पूरे कस्बे में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई और लोगों को संदेश दिया गया कि सभी लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। आजादी के 75 साल कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए हम सभी देशवासी, समाजवादी, हम सभी लोग अगस्त क्रांति के शुभ अवसर पर पूरे भारत में, पूरे राष्ट्र में हर घर तिरंगा लहराने का काम कर रहे हैं। देश की आज़ादी बहुत ही संकट और जितने भी क्रांतिकारियों में अपनी जान को
तिरंगा यात्रा निकालने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। कहां तक तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा? ये नगर पालिका और विधानसभा में और नगर पालिका में पूरे तैयारी के साथ हम लोग ये शुरू कर रहे हैं। यूपी के कौशाम्बी में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की ओर से हर घर तिरंगा की सफलता के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा यातायात नियम की धज्जियां उड़ाने को लेकर बेतुका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता किसी ने नियमों का उल्लंघन किया है। राष्ट्रप्रेम में जय हिंद का नारा कोई अपनी मोटरसाइकिल में बिना हेलमेट के लगा सकता है। राष्ट्रप्रेम में नारा लगाने के लिए नियमों की आवश्यकता नहीं। में दिवाली में घर में उत्साह में 15 अगस्त में वो नियम अपने आप शिथिल हो जाते हैं जिनको आप कहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी ने नियमों का उल्लंघन किया है। राष्ट्रप्रेम में कोई जय हिंद का नारा अपनी मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट के लगा सकता है। जो उद्देश्य आपका है मैं समझ सकता हूँ, जो आप कहना चाहते हो उसका उद्देश्य ना तो किसी नियमों का उल्लंघन करना था, वो राष्ट्रप्रेम में अपना नारा लगा रहा था। राष्ट्रप्रेम में नारा लगाने के लिए नियमों की आवश्यकता नहीं कि हम उसे नियमों में बंद करके अपने नारा लगाएं। इसमें किसी कोने में राष्ट्रवाद नहीं पहुंच रहा, इसी किसी कोने में तिरंगा झंडा नहीं पहुंच रहा, तिरंगे का सम्मान नहीं हो रहा, क्या ऐसे सवाल आपके पास नहीं है? अगर आप ऐसे नहीं सवाल करना चाहते हैं, इन विषयों में हमको उलझाना चाहते हैं, तो ये उचित नहीं। किसी दशा में आप सकारात्मक सवाल भी पूछिए। आप केवल मेरा उद्देश्य तिरंगा यात्रा से है। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में मुझे यहाँ भेजा है। तिरंगा यात्रा से संबंधित आपको कोई बात और करनी है तो आप मुझसे बताइए। अदरवाइज आपका धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।